दोस्तों, फिर हम बात करेंगे बोन फिडा के फिडा कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स करेंगे। करेंटली कॉइन 0.35 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा क्विक पंप इसकी प्राइस में कल से अभी तक देखने को मिला है और एक अच्छे लेवल पर अभी भी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। हमने जो आपको प्रीवियसली एंट्री पॉइंट शेयर किए थे, वहाँ से अगर आपने बाय किया है, आपके पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। साथ के साथ में जो टारगेट बताए थे वो भी इस कॉइन ने बैक टू बैक हिट किए हैं। अभी इस कॉइन के टारगेट क्या रहेंगे, कहाँ तक प्राइस जा सकते है, एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वारीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करेंटली कॉइन 0.35 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल नाइट के टाइम में, शाम के टाइम में इस कॉइन में मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ पर इस कॉइन ने 28 से डायरेक्टली 38 वाला लेवल दो तीन कैंडल 15 मिनट की कैंडल के अंदर ट्राई किया। डेली का चार्ट ओपन करें तो पिछले दो महीने से लगातार ये कॉइन मूव कर रहा है। बैक टू बैक नॉर्मल मूवमेंट हमें देखने को मिला, बीच बीच में अच्छे ब्रेकआउट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इस कॉइन ने जो 0.1314 वाला लो बनाया था वहाँ से अभी तक 140-150% से ज़्यादा का मूव लिया है। 0.1376 वाला लो बनाया था और इन लेवल्स पर हमने इस कॉइन में एंट्री लेकर के क्विक प्रॉफिट्स भी जनरेट किए और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उनके पोर्टफोलियो में अभी 150-130% से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि ये जो लेवल्स है, ये अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ के अराउंड में जो इस कॉइन ने ये लो बनाए थे, इन लो एरियाज पर हमने सितंबर मंथ के अराउंड में 0.145-155 के अराउंड में एंट्री लेकर के क्विक प्रॉफिट 1820 के अराउंड में जनरेट किया। उसके बाद वापस जब जब अपोस्ट रही, यहाँ अक्टूबर मंथ के अंदर हमने इस कॉइन में 0.158 के अराउंड में एंट्री ली थी, 1432 तक प्राइस गई थी। उसके बाद वापस इसमें मूवमेंट के बाद में यहाँ ड्रॉप देखने को मिला था। इस लेवल पर हमने 0.185 के अराउंड में आपको एंट्री शेयर की थी। तो बैक टू बैक इस कॉइन में जब जब अपोस्ट रही है और इस साल के पहले के टाइम में भी जब जब इस कॉइन में, हम इस कॉइन को पिछले दो साल से भी ज़्यादा टाइम फ्रेम से फॉलो कर रहे हैं और इस कॉइन में हमने बहुत बार अच्छे लेवल पर आपको हमारे वीडियोस के थ्रू एंट्री शेयर करके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी जनरेट करवाए। दूसरा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में होल्डिंग में हमने अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट एड भी किया। अभी जिन्होंने इस कॉइन को होल्ड किया हुआ है, जिन्होंने उस टाइम पर बाय करके, अक्टूबर मंथ में बाय करके, सितंबर मंथ में बाय करके, 3-4 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर के बेसिस पर होल्ड किया हुआ है, उनके पोर्टफोलियो में एक अच्छा प्रॉफिट होगा। अभी नवंबर के एंड में भी हमने इस कॉइन में 20 के अराउंड में, यानी इन लेवल्स पर एंट्री शेयर की थी और यहाँ से क्विक टारगेट्स बताए थे, उनको इस कॉइन ने हिट किया। दूसरा, शॉर्ट टर्म के टारगेट भी इस कॉइन ने हिट किए हैं। अभी इस कॉइन में अगर डेली के बेसिस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो जो कल की क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमें 3-3 से ऊपर देखने को मिली है। यहाँ पर 2.9 वाला इस कॉइन के लिए ये रेजिस्टेंस एरिया था, 2.9 वाले लेवल से नॉर्मल रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा था। ये जो लेवल है, यहाँ पर 3-4 बार इस कॉइन ने ट्राई किया और जैसे ही इस लेवल को इस कॉइन ने ब्रेक किया, डायरेक्टली इस कॉइन में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो 0.29 वाला अभी इस कॉइन के लिए सपोर्ट एरिया है और ऊपर की तरफ 0.35 वाला रेजिस्टेंस एरिया, 3-5 वाले लेवल से नॉर्मल रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है। डेली क्लोजिंग हमें 0.33 के अराउंड देखने को मिली है, तो 3-5 एज अ रेजिस्टेंस इस कॉइन को फेस करने को मिलेगा अभी भी और 0.29 वाला सपोर्ट इसको अभी सपोर्ट मेंटेन किए हुए हैं। दूसरा, वीकली के अंदर अगर बात करें तो वीकली में भी इस कॉइन में अच्छी खासी कैंडल्स, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था जो कि है 0.22 वाला लेवल। 0.22 वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल, ये इस कॉइन के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था। इसको जैसे ही ब्रेक किया, हमने एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी वीकली के अंदर। यहाँ इस कॉइन ने पिछले वीक की क्लोजिंग 0.27 के अराउंड की है, तो अभी इस कॉइन को वीकली में 0.22 वाला सपोर्ट एरिया है और 2.9 वाला रेजिस्टेंस एरिया। अब 2.9 से ऊपर अगर ये वीकली क्लोजिंग कर लेता है, अभी वीकली में इसने क्लोज नहीं किया है, तो
ट्रेड ज़रूर ये 29 से ऊपर कर रहा है, लेकिन वीकली क्लोजिंग कहाँ होती है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीक की क्लोजिंग अगर ये कॉइन 0.29 से ऊपर कर लेता है तो आने वाले दिनों में, आने वाले दिसंबर के एंड या जनवरी मिड तक ये कॉइन 0.5060 के अराउंड में ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये कॉइन 0.29 से ऊपर वीकली क्लोजिंग करें तो 0.50 से लेकर 0.60 तक हमें प्राइस इजीली देखने को मिल जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, वीकली क्लोजिंग अभी 2-3 दिन में होने वाली है। दूसरा, अभी जो क्विक एग्जिट करना चाहते हैं उनके लिए बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए 0.35 अराउंड एक कॉइन ट्रेड कर रहा है वीकली में। वापस हम वीकली का चार्ट ही ओपन करते हैं और यहाँ से अगर बात करें ये जो लेवल से 0.50 वाला लेवल ऊपर की तरफ इस कॉइन को जो रेसिस्टेंस एरिया है 2.9 के बाद 3.7 वाला वीकली के अंदर रेसिस्टेंस एरिया है 3.7 को के अराउंड इस कॉइन ने ट्राई किया है। वापस एक कॉइन 3.7 से ऊपर ट्राई करेगा और 4.0 तक हमें इजीली 2-3 दिनों के अंदर मार्केट अगर BTC ऊपर वाले लेवल से रिजेक्ट नहीं होता है, 43,000 पर भी मेंटेन रहता है तो भी हमें इसके प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो क्विक टारगेट्स की अगर बात करें तो ये कॉइन वापस 4.0 तक ट्राई करेगा, जिसमें 0.37 और 0.40 ये दो टारगेट्स आपके लिए रहेंगे, जहां पर आपको 70-30 या 60-40 के रेशो में सेल करना है 0.3740। जो थोड़ा वेट कर सकते हैं, देखिए ये जो कंफर्मेशन है वो वीकली क्लोजिंग में हमें 2.9 से ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग कर लेगा तो इजीली 5.0 तक प्राइस आने वाले 15-20 डेज 1 मंथ के अंदर देखने को मिलेगी। जो थोड़ा वेट कर सकते हैं यानी कि 20 से लेकर 30 डेज का वेट कर सकते हैं वो 0.50 से ऊपर वाला टारगेट रखें। तो इस लेवल तक का जो वेट कर सकते हैं वो 0.50 के सेल लिमिट लगा के रखें। इसके अलावा जिन्होंने एंट्री नहीं ली है, बाई नहीं किया है, बोनफिडा अगर कॉइन की बात करें तो ये सोलाना ब्लॉकचेन का यूज़ करके और डोमेन जो है इसका यूज केस क्या है, इसके थ्रू आप डोमेन बाय कर सकते हैं सोलाना ब्लॉकचेन का यूज कर कर, जैसे SNS हो गया, ENS हो गया। तो ये ओवरऑल सोलाना ब्लॉकचेन पर वर्क करता है और सोल क्वाइन में जिस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल रहा है ये क्वाइन भी उसकी रैली को कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हमें, अगर आप लॉन्ग टर्म में इस क्वाइन को होल्ड करना चाहते हैं 1 ईयर 2 ईयर, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में इस क्वाइन के थ्रू देखने को मिलेगा। एंट्री जिन्होंने नहीं ली है, बाई नहीं किया है, अभी कोई लेवल नहीं है, 2.9 से नीचे प्राइस आती है फिर किस लेवल पर स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, यहाँ इन लेवल्स पर अगर प्राइस आ जाती है 2.5-2.2 वाले लेवल पर तो हम एंट्री ले सकते हैं, 2.5 से नीचे ही सेफ एंट्री रहेगी। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।